हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी से पाठशाला। सो आई विल बी डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट अ CGPA। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि परसेंटेज से आप CGPA किस तरीके से निकाल सकते हो और CGPA से आप परसेंटेज एंड मार्क्स को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो स्टूडेंट, आपको इसमें इतना इजीएस्ट वे बताने जाऊंगा जिसमें हम कैलकुलेटर की मदद से चुटकियों में इस आंसर को निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि CGPA सिस्टम होता क्या है। तो फर्स्ट हम आते हैं कि CGPA सिस्टम है क्या। तो देखो, हमारे इंडिया में जितने भी CBSE स्कूल हैं जो कि NCERT से जुड़े हुए हैं, ओके, वहाँ पर हमारा CGPA सिस्टम जो है इवेल्यूएट किया गया है, यानी कि चलाया जाता है, यानी कि वहाँ पे एक ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, जैसा कि फंडामेंटलिटी है, ये हुई CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वहीं पर आपकी CGPA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो ये तो बात हुई आपके फंडामेंटल की, जो आपको आना ज़रूरी था, ठीक है, और आता भी होगा। लेकिन अब जो मेन मुद्दा आता है वो हमारा यह है कि हम CGPA एक परसेंटेज से, या ये कह लें कि जो टोटल मार्क्स हैं उनसे कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले यह आपको जानना ज़रूरी है कि कितने परसेंटेज वन CGPA के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस वाले में मैंने जो 9.5 लिख रखा है आपका, तो इस 9.5% के इक्वल में वन CGPA होता है। यानी कि आप कह सकते हो जो वन CGPA होता है वो आपका 9.5% के इक्वल होता है, ओके। अब जो हमारा टोटल CGPA होता है वो 10.5 होता है। लेकिन आप स्टूडेंट हाईएस्टली या मैक्सिमम मैं बोल लूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 CGPA तक ला सकते हो, इससे ज़्यादा आपको CGPA नहीं मिलता है, ओके, क्योंकि ये तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है। अब टोटल परसेंटेज तो हर कोई जानता है कि 100 की 1% होती है पूरी, ठीक है, यानी कि 1% इक्वल टू 1% ही होगा, 100% के बराबर होती है टोटल परसेंटेज, ठीक है। तो चलो अब आगे हम बात कर लेते हैं, एक मैंने यहाँ पे CBSE बोर्ड की मार्कशीट ली रखी है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 500 हैं और उनमें से जो मार्क्स दिए गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, जो कि 445 यानी कि 445 टोटल मार्क्स हैं जिन्हें हम ऑप्टेंड मार्क्स कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैंने परसेंटेज भी इसकी निकाल ली है 89%। अब ये निकलती कैसे है तो मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आपकी देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट में आप टोटल मार्क्स जो हैं आपके, यानी कि ऑप्टेंड मार्क्स जो हैं उनमें आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 445 यानी 445 में आपको डिवाइड कर देना है 5 से, ओके, तो आपका 89 निकला जाए। आपके पास दूसरा भी तरीका होता है इस परसेंट को निकालने का, जैसे कि आपने 45 आपने क्या निकाला 445 आपके ऑप्टेंड मार्क्स से उसमें डिवाइड कर देना आपको 500 से, और सॉरी फिर आप सॉरी हाँ अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर स्टूडेंट 100 से, तब भी आपका 89 निकलेगा। और ये भी तरीका ना अपनाया जाए तो आप एक और तरीका अपना सकते हैं, परसेंट का चिन्ह लगा दोगे तब भी आपका परसेंट निकलाएगा। तो ये तो हुई हमारी परसेंट निकालने की बात, ओके, तो हमने यहाँ पे परसेंट भी निकाल ली। इसके बाद हमें ऑप्टेंड CGPA यानी कि हमें CGPA फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी हमें CGPA नहीं पता, तो CGPA कैसे फाइंड आउट करते हैं चलो ये बात कर लेते हैं हम। तो CGPA का आप इसमें फॉर्मूला देख लीजिए कि परसेंटेज से CGPA कैसे निकालना है, ओके। तो परसेंटेज से CGPA निकालने का फॉर्मूला ऑप्टेंड परसेंटेज एंड 9.5 यानी कि आपके कितनी परसेंटेज लेके आए हो, जो कि अभी हमने निकाली थी 89%, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 89% को हम लिख लेंगे, ओके स्टूडेंट। 89% को लिखने के बाद जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 9.5 जो है आपका, इससे आपको डिवाइड दे देना है, तो आपको यहाँ पे 9.5 से डिवाइड दे दोगे तो देखो 9.3, ओके 9.3, तो आपका क्या निकला यहाँ पे CGPA कितने के बराबर निकला, 9.5। तो आप यहाँ पे जो है CGPA लिख लीजिए, ठीक है, 9.3, ओके, आपका यहाँ पे क्या निकला स्टूडेंट, CGPA, ओके। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं, ये मैंने रफ कर दिया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो फिर आगे हम बात करते हैं, वन सेकेंड स्टूडेंट, ओके। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने ऐसे ही यहाँ पे एक UP बोर्ड की मार्कशीट ले रखी है
जरूरी नहीं है कि CBSE में ही ऐसा चलता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमसे पूछते नहीं हैं यूपी बोर्ड में, लेकिन हमको पता तो होना चाहिए कि हमारा CGPA क्या है, अगर कोई पूछे तो, है ना। तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन CGPA आपका CBSE सिस्टम में कंपलसरी है पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड में मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्टन मार्क्स ले लिए हैं और मैक्सिमम मार्क्स तो 500 होते ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन बात आती है वो आती है स्टूडेंट की ऑप्टन परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे भी आप 300 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 300 लीजिए आप, और यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका 60% आ रहा है, ठीक है। तो 60% आपने क्या किया, फाइंड आउट की परसेंट को, ओके स्टूडेंट। अब इसके बाद आपको ऑप्टन CGPA निकालना है, तो आपको 9.5 से यहाँ पे भी डिवाइड दे देना है, 9.5, तो आपका 6.3 CGPA निकला है यहाँ पे, 6.3, ओके स्टूडेंट। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि हम CGPA परसेंटेज से कैसे निकालते हैं, या ये कह लो कि हमारे पास जो टोटल मार्क्स दिए हुए हैं उनसे हम CGPA कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपके टोटल मार्क्स हैं उनका आप परसेंटेज निकालिए, और परसेंटेज निकालने के बाद आप CGPA निकालिए, तो आसानी से आपका CGPA फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन अब मेन मुद्दा ये आता है कि स्टूडेंट कि हम CGPA से परसेंटेज कैसे निकालें। तो सिंपल है, अभी हमने CGPA निकला था एक का एट सॉरी एट क्यों आपका निकला था स्टूडेंट, यहाँ से मैं इसे रफ करता हूँ, ओके। अभी हमारा 6.3 निकला था एक, है ना। तो 6.3 जो हमारा निकला था उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट 9.5 से। तो 6.3 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 9.5 से। तो देखिए आपकी 60% निकला है, यानी कि मैंने बोला CGPA से आपको परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमारा 60% निकला आया, जो कि हमारे 60% ऑलरेडी था इस वाले में, यूपी वाले में, ओके स्टूडेंट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। 60% निकला था, और इसमें हमारा 89% जो निकला था कहाँ है, ये है हमारा 89%, ठीक है। तो इसका CGPA निकला था आई थिंक 9.3, है ना। तो चलो इसका भी हम निकाल लेते हैं एक बार। तो हमारा कितना परसेंटेज था स्टूडेंट, इसमें 89% था, ठीक है, जिसमें हमें डिवाइड दे देना 9.5 से। तो हमारा देखो ये CGPA निकला है, अब आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है कितने का स्टूडेंट, 9.5 का। तो देखो 89% इसका भी निकला है परसेंटेज, यानी कि 9.3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि टोटल मार्क्स से आप CGPA कैसे निकाल सकते हो, या परसेंटेज से आप CGPA कैसे निकाल सकते हो, और CGPA से आप परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसी प्रकार आपको स्टूडेंट क्या है, CGPA से आपको टोटल मार्क्स भी फाइंड आउट करने हैं, तो आप वो कैसे करोगे। तो देखो हमारा एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारा जो है CGPA कितना निकला था स्टूडेंट, 9.3, CBSE वाले की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। उसमें 9.5 से हमें मल्टीप्लाई कर दें, और मैक्सिमम मार्क्स हमारे 500 होते हैं, हम सब लोग जानते हैं ये बात, है ना, और 100 से उसमें डिवाइड दे देना है, तो आपका CGPA से मार्क्स निकलाएगा। अब देखिए कैसे, हमारा 9.5 एंड CGPA ऑलरेडी है यहाँ पर, अब इसी में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 500 से, एंड डिवाइड दे देना है आपको 100 से। तो देखिए 445 आपके मार्क्स यहाँ पर निकलाए, ओके। तो देखिए यहाँ पे भी 445 ही होगा, यानी कि 445 देख लीजिए, ओके स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार आप जो है इसका भी निकाल सकते हो यूपी बोर्ड का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करूँगा मैं स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको CGPA से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो गई होंगी कि CGPA हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं टोटल मार्क्स से और परसेंटेज से, और CGPA से हम परसेंटेज एंड मार्क्स को कैसे फाइंड आउट करें। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि इस पार्ट में आपको कहां पर कौन सी दिक्कत आई है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।